आप खुद ही जब चिड़के बोलोगे तो अगला आप पे उतना ही चिड़के वापस उतना ही, रिवर्ट करेगा, बिल्कुल जब आप बिल्कुल खुद बिल्कुल ही सॉफ्टली बोलोगे तो अगला भी सॉफ्टली बोलेगा आपसे। वही वाली बात है ना कि आप टैकलिंग करना, अच्छा मेंटली आपने टैकलिंग करना सीख लिया है तो फिर बिल्कुल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जैसे कहते हैं भाई, जब ध्यान करते हो तो आपको अष्टविकार होते हैं, काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या, तो ये आपके बैलेंस हो जाते हैं, खत्म तो कभी नहीं होते ये तो कहना मतलब हाँ, मूर्खता ये कि बैलेंस आपके होने अंदर जो शुरू हो जाते हैं। बैलेंस हो जाते हैं, और आपके अंदर जो सौम्यता है, जो आपके अंदर प्रेम है, उसका विकास होता है, जो आपके और अष्टविकार होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ये भी है इस चीज का कि जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ना, वो सेम ऐसा है कि जैसे रोज बैटरी मोबाइल की जैसे हम चार्ज कर रहे हैं है ना, और जैसे वो डिस्चार्ज हो रही फिर चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो वो 10 दिन तक चलेगा, तो बिल्कुल ये रोज का प्रोसेस है। ये रोज का रोज प्रोसेस है, अगर रोज करेंगे तो वो, हाँ, वो मेंटल बैलेंस बना रहेगा बिल्कुल, और और रोज भी वो ज्यादा नहीं इम्प्रूव करना होता रहेगा। होता बिल्कुल, एटलीस्ट अगर आप 30 to 40 मिनट्स निकालते हो तो वो सफिशियंट है। हालांकि हमारा अगला क्वेश्चन यही था कि यही पूछने वाले थे कि आप हरबीर जी, आप जो अब डेली लाइफ है आपकी, आप उसमें कितना ध्यान करते हैं? मेरा मतलब ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। ये दोनों रहता है। और बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे कोई वर्कलोड ज्यादा है तो एक टाइम हाफ एन आवर रहता है, एवरेज तो है ही है, मतलब एक टाइम की एवरेज है ही है। वो भी जाता, तो मान लो उसमें कहते हैं मेरा कि बिल्कुल किसी दिन गैप भी हो गया तो वो कहीं ना कहीं किसी काम की वजह से होता है, और वो नॉर्मल है, वो सबके साथ ही होता है, क्योंकि भाई अगर आप फैमिली पर्सन हो तो आपको आपका जो प्रोफेशन है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कभी कभार ऐसा होता है भाई वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया तो आपको वहाँ काम, उस काम में टाइम देना पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा है कि अगर आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हो दिन का तो ये बहुत अच्छा है, कम से कम मतलब 30 to 40 मिनट्स तो करना चाहिए कम से कम, लेकिन 1 घंटा भी बहुत अच्छा होता है। गुरु जी कहते हैं कि 30 से 40 मिनट होता है आपके, मतलब अगर आप आधा घंटा एक घंटा सॉरी अगर आप कम से कम आधा घंटा ध्यान करते हो तो कहते हैं कि जो आपके इन इस कर्मों को, इस जन्म के जो कर्म है उनका शोधन होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कम से कम घंटा बार ध्यान करते हो तो जो आपके जो पूर्वत कर्म है उनका भी आपका शोधन होता है। एक तरह से अपने लिए आप एक्स्ट्रा जमा कर रहे हो, मतलब कि 30 मिनट में तो क्या है, आपने जो बुरा करा है, फिर जो भी आपके कर्म है बुरे कर्म वो कटते हैं, वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया आधे घंटे से, बाकी का जो आपका आधा घंटा है उसमें अपना आप एडिशन करते हो, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा जमा करके रखते हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको 100 रुपये मिले, आपने 100 में 100 खर्च कर दिए, आपके मतलब आपके जो खर्चे हैं दिन के वो हैं आपके 100 रुपये, और आप कमाते भी 100 रुपये हो तो आप बचोगे 0। लेकिन अगर आप कि अपनी आप अर्निंग बढ़ा लो, अपना टाइम बढ़ा लो ध्यान में, मान लो आपने आप कमाने शुरू करे 150 रुपये और खर्चे आपके वही हैं 100 रुपये, तो आपके लिए 50 जो है वो सेविंग हो गई। तो इसलिए ऐसे ध्यान में ये होता है कि अगर आप कम से कम 1 घंटा ध्यान करते हो तो वो आपके लिए सेविंग है, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये धरपी जी बहुत अच्छा है। आप मतलब अलग से कुछ उसके लिए टाइम भी निकालते हैं, जैसे कि आप ये तो करते करते हैं, आपने कुछ अपना ऐसा फिक्स कर रखा हो कि भाई मुझे अपना जो क्या कहते हैं महीने में एक आध दिन, या फिर जो भी आपने कुछ सेट कर रखा हो कि मुझे इस दिन पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान करना है, या फिर अगर मैं ध्यान नहीं करता तो मैं किसी स्पिरिचुअल जगह अपना जाऊं, कभी घूम के आऊं, कुछ आपने ऐसा कुछ सेट कर रखा हो? जी, वो वैसे मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं हाँ जैसे अभी हाफ एन आवर का एवरेज रखा हुआ है, मैं इस एवरेज को 2 आवर्स तक लेके जाऊं, बहुत अच्छा, 2 घंटे मैं प्रतिदिन करूं। बिल्कुल और किसी एक दिन जैसे सपोज मैं बोलूं कि आज मेरी संडे छुट्टी है तो मैं हाँ संडे को थोड़ा ध्यान ज़्यादा करूं, अभी ऐसा नहीं सेट किया हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल प्लेस की बात कर रहे हैं तो मेरा, हम गुरुद्वारे डेडिकेटेडली जाते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, बहुत अच्छा, वहां बैठते हैं, तो बिल्कुल वो वाला चैनल सेट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। वहाँ जाते हैं बिल्कुल और वो सेवा करनी है, और सेवा में, सेवा कुड बी एनीथिंग, कि उसमें जैसे हम जोड़ों की सेवा करते हैं है ना, या फिर हम बाहर पौधों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा, या है ना, मतलब ऐसे, या सफाई करते बिल्कुल, हैं। और ये यही जो करना चाहिए अगर मेरे आप धार्मिक बच्चे, प्लेस, बिल्कुल हाँ 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 बताइए 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 बताइए। हाँ तो या मैं, मेरे बच्चे, मतलब हम पूरी फैमिली इकट्ठे जाते हैं तो ये करते हैं, और मेरे पेरेंट्स भी पूरी, मतलब वो भी डेडिकेटेडली सेवा करते हैं गुरुद्वारे में जाके। तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये होना भी ये चाहिए। अगर एक, मान लीजिए आप कभी कोई भी कहीं भी धार्मिक स्थल जाता है तो आपको वहां जाकर सेवा करनी चाहिए, मतलब वहां की साफ सफाई तो आपको करनी ही चाहिए। ऐसा मत करें कि आपने अपना दीपक जलाया आप चले आए, ठीक है आप वो भी चलाओ, लेकिन हाँ अपना कम से कम अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में अपना एक दिन ऐसा पक्का बांध दो कि मुझे इस धार्मिक स्थल जाकर आज जाकर सेवा करनी ही करनी है, क्योंकि 3 चीजें ही है वो तर्पित जी आपको बताइए, से सेवा तप दान करे कल्याण, कर तो से हाँ आप तब जी, कर लोगे तब मतलब आपका जप हो गया, आपका ध्यान हो गया, दान भी आप कर ही दोगे,
लेकिन सबसे बड़ी बताई जाती है आध्यात्मिकता में, वो बताई जाती है आपको सेवा। तो आप कहीं भी किसी धार्मिक स्थल जाओ, वहां अपना एक टाइम निकालो, वहां सेवा जरूर करके आओ। अगर मान लीजिए आप जाते हो कहीं और आप सेवा नहीं कर पाते, आप मतलब कि जो लोग सुन रहे हैं आप सेवा नहीं कर पाते भाई, कभी कभार ऐसा भी होता है आप जिस मंदिर में आते हो वहां अलाउड नहीं करते, वो कहते हैं नहीं नहीं जी हमारे यहाँ के वो जो है लोग वही कर देते हैं, मतलब हो सकता है ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आप सेवा में क्या कर सकते हो भाई, जो आपके आसपास जानवर हैं आप उन जानवरों को खिलाओ खाना, अपना आपने कभी वो कर दिया अपने अपने हाथ से भंडारा कर दिया, एक हो गया कि आप पैसे दे के आ गए और किसी और ने भंडारा कर दिया, वो आपका दान में आता है। एक आपने क्या करा, आपने भंडारा बनवाया या फिर आपने कुछ खाना बनाया, अगर आपने भंडारा नहीं कराया तो आपने अपना ये करा कि मैंने अपनी सेविंग करी है, अपने अपने हाथ से खाना बनाया और उन खाने को गरीब बच्चों को बांट दिया, गरीब बच्चे नहीं है तो आसपास के भाई गली हर गली में डॉग्स कुत्ते तो होते ही हैं, तो आपने उनको खिला दिया, तो ये भी आपकी सेवा में आती है, ये भी आपके धार्मिक कार्यक्रम में आती है। तो सेवा तो मैं कहूँगा आपके इन जब तब से आधा भी बहुत है क्या, कि सेवा जो होती है आपकी वो इन जब तब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप सेवा जरूर करें जो अर्पित जी आप कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अर्पित जी आपने ये सब बता दिया हमें, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि जब आप ध्यान करते हो तो आपने बताया कि अभी आप 1 घंटा ध्यान कर लेते हो, और जब आप ध्यान करते हो तो आप कितनी देर में, पहले आपने बताया आप कितनी देर में ध्यान में पहुंच जाते हो, मतलब आपको लगता है कि मैं ध्यान में पहुंच चुका हूं? जी, मैं जैसे अब हमारे सर्कल शुरू होते हैं तो मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट सर्कल ही मेरा ध्यान थोड़ा डीप हो जाता है, बिल्कुल कि मतलब उसी में मुझे फील हो जाता है कि मैं मतलब, हालांकि जो चैनल तो वही है कि जैसे हम अपने बॉडी पार्ट स्कैन कर रहे हैं, है ना, तो मतलब पहले सर्कल से ही मेरा डीप हो जाता है, मतलब बहुत मेरे अच्छी को बात। डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, और वो दूसरे सर्कल में तो और डीप चला जाता है। बिल्कुल मतलब फिर मैं ऐसा, नॉर्मली हाँ हाँ तीन सर्कल तो करता ही हूँ, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल मेरा नॉर्मल रूटीन है। दूसरा ये है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई आवाज आ रही है ना, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस कोई आके मुझे हिलाए ना, तब तक हाँ हाँ ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो मुझे साउंड से भी इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, ये आपके एक तरह से डीप मेडिटेशन के आपके वो थे सिग्नल्स की, अगर आप मान लीजिए आसपास शोर शराब या हुई है मैं फिर भी ध्यान कर सकता हूँ, तो ये आपकी अच्छी स्टेज है मतलब कि ध्यान की। अब ये है कि आप मुझे कुछ अपने वो बताओ एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने बताया था कि भाई आपकी बेबी की बर्थ होने वाली थी, तो आपने वो जो अपना एक्सपीरियंस बताया था वो शेयर करें। हाँ, उसमें सब ऐसा था कि हाँ वो टाइम भी आप वो बताना, टाइम कब का था, क्या चीज थी, अगर आपको पता हो। टाइम, वो स्टार्टिंग वाला टाइम था, मुझे दो हाँ 3 महीने मतलब हमारी क्लास को हो चुके थे, और तब मतलब ऐसा था कि मेडिटेशन भी इम्प्रूव हो रहा था, और इनिशियली मतलब हम ज़्यादा फोकस थे, फोकस तो अभी भी उतना ही है, हालांकि इम्प्रूव्ड है, पर उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान, मतलब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा कॉन्शियस भी था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं उनका भी ध्यान रखूंगा। बिल्कुल तो आ जाके स्पिरिचुअली हम ये भी देख रहे थे कि एक नई लाइफ हमारे साथ ऐड हुई है ना, बिल्कुल तो वो भी इन चीज़ों को मतलब रियलाइज कर रही है, तो मैं जब ध्यान करता था इन चीज़ों पे हाँ हाँ तो मेरा फोकस रहता था हमेशा ही। बिल्कुल तो जब वो टाइम था, क्लोज था डिलीवरी का, तो उस टाइम मतलब मेरे को पहले से ये रियलाइज हो गया था ध्यान में, मैंने जब, क्योंकि मैं ध्यान में करता था, अपनी वाइफ को लेकर ध्यान किया, तो बच्चे का ध्यान किया, उससे हाँ मुझे ये दिखा कि मतलब मेरे को बेबी बॉय आया है, और बिल्कुल घर पे, और डेट भी स्पेसिफिक थी कि अच्छा 19th अक्टूबर को कि उसका बर्थ हुआ है, हाँ और मतलब 19th को प्रोसेस वॉज स्टार्टेड, मतलब वो शुरू हो गया था, लेकिन 24th को बर्थ हुआ था, वो क्लोज था बहुत, तो मतलब कि वो वाले जो भाव थे, जो मतलब वो फ्यूचर विजन था, वो स्ट्राइक हो गया था, बट वो एग्जैक्ट नहीं था, बट क्लोज था वो बहुत। हाँ, तो मतलब जो आपने देखा था वो सच हुआ नहीं? वो सच हुआ, मेरे मतलब मेरा बेटा बेटा ही पैदा हुआ, और वो मतलब 1924 24 तारीख को ही पैदा हुआ, बिल्कुल देखो ये बड़ी अच्छी बात और है मैं कि मेरी इंटेंट थी कि मतलब वो 24 को पैदा हो ऐसे करके, हाँ, समझ पर समझ ये गया, आपने शिफ्ट तो कर दी वो 19 से 24। ऐसा। हाँ हाँ तो हाँ नहीं तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ मैसेज ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान करते हो तो आप अपने फ्यूचर विजन भी देख सकते हो, और ये कॉमन मतलब कॉमन मतलब कि कॉमन उनके लिए है जो वास्तव में रही क्रिया योग कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। इसमें एक चीज ये भी है बहुत अच्छी कि आपको कहीं भी ये नहीं है कि मान लीजिए आप जाते हो पूछते हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कहीं भी गए अपने हाथ दिखाया अपनी कुंडली दिखाई,
तो आपको वहां से तक भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपना आप ध्यान करो। हो सकता है विजन आपको ना भी दिखाई दो, लेकिन जो भी होगा वो आपको बेस्ट होगा, बेस्ट इन द सेंस कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। कि भाई ऐसा नहीं है कि मान लो अगर डिलीवरी की डेट है तो वाइफ को कुछ दिक्कत हो गई या फिर बेबी को दिक्कत हो गई, जब आप ध्यान करते हो तो नेचुरली वो अपना हेल्दी और सब चीजें बढ़िया रहती है। तो अरबीत जी ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ये पता लगाना कि एटलीस्ट हाँ बॉय होगा गर्ल होगी और डेट भी होगी। और कोई आपके पास मेडिटेशन एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ, कभी गुरु जी दर्शन दिए हो, कभी ध्यान में गुरु जी दिखाई दिए हो? जी हाँ, एक बार अभी रिसेंट था, जैसे कि हमने हमें ये मतलब पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि जो भी आप मतलब जो ध्यान के दर्शन जो होंगे आपको या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो वो हम नोट डाउन करते रहे। तो एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं कि रोज कोई एक्सपीरियंस होता है वो, अभी क्योंकि अभी हमारा टाइम हो चुका है तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी 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 वो कभी पीरियड हाँ नॉर्मल चलता रहता है। तो उसमें एक बार अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए थे। हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा परेशान दिख रहा था, मैं परेशान था, तो गुरु जी मुझे दिखे और दिखे और मेरे को मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो अच्छा गायब हो गए। अच्छा मतलब मतलब तो ऐसा ऐसा आपको ये मुझे मतलब लगा। सपने में दिखाई दिया था कैसे, ये ध्यान में बैठे बैठे? सॉरी, ये मुझे सपने में दिखाई दिया था, ये मतलब हाँ ध्यान करने के बाद जब मैं सोया था तब सपने में हाँ मुझे तो दिखा था। वो हम उसको सपना नहीं कहते, ये एक तरह से योग निंद्रा की स्टेट होती है। जब आप योग निंद्रा मतलब कि आप हाँ निंद्रा आप सो रहे हो, वहां पे भी आपको योग मतलब ध्यान चल रहा है। जब आप सर्कल एक बार कर लेते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म में चलता रहता है। तो जब अगर आप ऐसे ध्यान हाँ के बाद सपने देखते हो तो उन्हें हम नॉर्मल सपना नहीं कहते, कि एक मतलब आप कहने को सपना है लेकिन वो सपना नहीं होता, एक तरीके से आपका अपना ही विजन होता है एक तरीके से, वो एक हाँ तरीके से ये विजन ही वो होता है विजन आपका। था। हाँ, मैं थोड़ा सा वो मतलब दैट वाज अ ड्रीम। तो उसमें मुझे ऐसा दिखा था। अगर हम ध्यान की पर्टिकुलरली बात करें तो ध्यान में मुझे एक बार ऐसा हुआ था, वो स्टार्टिंग स्टेज थी, जब हमें थोड़ा सा जब होता था कि जब हमें चेहरे दिखते थे थोड़ा डर लगता था ना, कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमें चेहरे दिख रहे हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जब हम फेस को स्कैन कर रहे हैं तो कई बार स्कैन करते करते चेहरे चेंज हो जाते हाँ थे, बता रहे थे एक आप भाई, दिख रहा है तो कभी दो किसी दिखते हैं, मास्टर बहुत कभी सारे। किसी मास्टर ना समझ गया। हाँ, कभी जब हम क्योंकि हम कभी हम आप में ध्यान कर रहे हैं तो कभी किसी का चेहरा दिख गया, कभी किसी का दिख बिल्कुल गया, तो ऐसे ही चेहरे कभी कभी चेंज होते थे। तो उस पीरियड में मुझे ये दिखा कि मतलब मैं हाँ उस टाइम लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जंगल में हूँ, ठीक है, हाँ तो और एक मतलब ये जंगल में आपको हूँ जब और ध्यान कर मैं रहे थे, बहुत ध्यान ध्यान करते करते दिखाई दिया ये सपने ध्यान में? का विजन है, ये ध्यान का विजन है। मैं आगे गया और मैंने देखा कि वहां पे कोई दूर खड़ा है और मैं थोड़ा सा डर रहा था, बट मैं अपना ध्यान मैंने कंटिन्यू किया और मैं थोड़ा आगे गया। तो आगे जाके मैंने देखा कि एक लेडी है। जैसे हम अब मैं अगर मैं वैसे बोलूँ तो एग्जांपल के लिए काली माता का जैसे भाव हमने फोटोज देखी है, वैसे एक लेडी है सामने और मैं उनको देख के डर गया, उनको देख के डर गया मैं, और मैंने एकदम से ध्यान मेरा टूट गया टूट गया। क्योंकि वो वहां पे मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा क्या हो गया। लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने वापस ध्यान वापस से शुरू किया और वहीं पे मैंने देखा, हाँ वहीं से मेरा जो विजन था वहीं से अच्छा रिकनेक्ट हो वहीं गया। से स्टार्ट हुआ, ठीक है हाँ, वहीं दोबारा। से रिकनेक्ट हो गया। तो मेरा वही जो सर्कल चल रहा था, मंत्र जाप चल रहे थे और मुझे लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, बट मैं आगे गया और आगे वो वहां से मतलब अदृश्य हो गया, सब गायब हो गया वहां से। गायब हो गया। वहां से बिल्कुल ऐसे वजह से धुआं धुआं टाइप्स। हाँ तो फिर वापस से जब मैं अपने मतलब वापस ध्यान में आया, मतलब मैंने नोटिस किया तो फिर मैंने इसको नोट कर लिया, मैंने कहा आपसे कभी शेयर करूंगा इस चीज को। तो वो यही विजन था। पर ओके इवेंचुअली मुझे ये लगा कि दैट अगर वैसे तो मैं आज तक कभी कभी काली माता के मंदिर गया नहीं, ना मैंने कभी ऐसी कोई फोटो देखी ना कुछ ऐसा किया, तो अचानक से ऐसा विजन दिखना तो वो उसको मैं एक एक्सपीरियंस ही हाँ मानूंगा, बिल्कुल जैसे वो ध्यान होते का। भी हैं कई, वो आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं ध्यान से। और कोई आपका विजन हो मतलब कोई भी आपको एक्सपीरियंस हो, आप चाहो तो मुझे हर पीछे बोला सकते हो डायरी, अगर आपको है तो अपना डायरी में से भी देख के बोल सकते हो, अगर मान लो अगर आपको याद नहीं, नहीं आ डायरी तो रही। मैंने डायरी वैसे एक बार डायरी का साथ में रखी हुई है अपने, मैंने अच्छा अच्छा डायरी आप साथ में तो रखी डायरी है, का रेफरेंस हाँ लिया हुआ उससे। तो आप पढ़ सकते हो, आप तो देख लो भाई कौन सा एक्सपीरियंस है जो मतलब, सारे तो आप नहीं बता पाओगे, जो भी आपको लगता है मैं बता सकता हूँ एक दो एक्सपीरियंस नहीं, और। ये वैसे मेन थे सपने, तो मेरे को ऐसे और भी आए थे सपने, मैंने मतलब वही नोट किए जो मुझे लगा था कि जो नोट करने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं काम में लगा हूँ ना, मैंने आपसे शेयर भी किया था एक बार ना बिल्कुल बिल्कुल कि अभी इवेंचुअली जब हमने कोविड क्रॉस किया था
तो थोड़ा सा बिजनेस हमारा स्टेगनेंट चल रहा था, थोड़ा बहुत अच्छा डाउन था परफॉर्म नहीं सबका। कर रहे थे। तो तब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए कि हम थोड़ा सा और उसपे मतलब एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। क्योंकि देखो, बिल्कुल अगर मटेरियलिस्टिकली आप अगर सॉलिड नहीं हो, अगर आपका हाँ, फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, तो स्पिरिचुअली भी डेवलपमेंट नहीं करना होते आपको कहते चैलेंजेस रहेंगे। तो ये तो हैं मतलब भैया, क्लियर, अगर भजन आप भजन भी, भजन भी इंसान भरे पेट कर सकता है, जब तक पेट ना भरा हाँ हो जी उसका, हाँ तो वो जी भजन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो उस पीरियड में मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कुछ ऐसा था कि कुछ मार्केटिंग प्लान करना था उससे बिल्कुल रिलेटेड। तो इवेंचुअली बहुत टफ लगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट था, और वो मैं बहुत जो काम कर डिफरेंट रहा था वो डिफरेंट था, और टाइम का बहुत चैलेंज था। है। तो फिर मुझे लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन जब मैंने छोड़ा, मैंने ध्यान किया, तो मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती थी मास्टर से कि जब आपको भी क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन का थॉट लेके हाँ ध्यान कर बिल्कुल, सकते ध्यान हो, में बैठो उसको लेके, बिल्कुल है क्या कर सकता हूँ। ना। बिल्कुल तो ये मेरे मेरे को करना ही नहीं करना, तो मतलब एक डबल माइंडनेस जो थी, मतलब ये पॉइंट मैंने डिस्कस ही नहीं किया, जब पहले पहले डबल माइंडनेस बहुत रहती थी इस चीज की कि ये काम करना है कि नहीं करना, करूँ कि नहीं ना करना, करूँ, बिल्कुल इसको ऐसे करूँ ये वैसे करूँ, पर वो डबल माइंडनेस तो रिमूव हो गई। तो बिल्कुल मतलब तो ध्यान से रिमूव हुई। तो अब मैंने फिर ये यहाँ पे मैंने ना थॉट लेके बैठा कि मुझे इस वाली फील्ड में कुछ जाना करना चाहिए कि सही नहीं है, करना नहीं करना चाहिए। सही है, तो मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे मतलब इंस्ट्रक्शंस मिली कि हाँ वो चीज होगी, मतलब वो बिल्कुल। मुझे कुछ ऐसा साइंस इंडिकेशंस मिले कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने वो करना शुरू किया। तो थोड़ा सा मैंने ये मतलब उसको थोड़ा डीप जाके स्टडी किया, और इवेंचुअली मैंने ये देखा कि मुझे थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हो गई और मुझे समझ आना बिल्कुल शुरू हो गया। मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं लेनी पड़ी किसी से जाके, खुद ही सेल्फ गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई। और सेल्फ गाइडेंस मिलनी शुरू हुई तो आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्क इन इट। तो मतलब वो लर्निंग शुरू हो गई मेरे साथ साथ ही। तो बिल्कुल इवेंचुअली एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी धीरे धीरे फॉर्म होता गया। और आप अपने जीवन में आइडल किसे मानते हो, मतलब आपके आइडल कौन है? आप भाई मानते हो, भाई मैं इसको बचपन से आइडल मानता हूँ, जो भी आपका आइडल मानते हो। सही बताऊं तो हाँ जब से मेडिटेशन हाँ से पहले तो मैं लॉस्ट था। मतलब उससे पहले तो ऐसा था कि जो अच्छा लगा वही आइडल बनता जा रहा था ना। बात कि समझ जैसे गया। अपनी फील्ड में मान लिया कि भाई अगर सपोज हम बोले कि आज की जनरेशन में अगर एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, तो एलन मस्क को लोग आइडल मानने लग गए ना। बिल्कुल एलन मस्क को मान लिया अभी थोड़ा सा, जैसे एंटरप्रेन्योर जैसे वो अश्नीर ग्रोवर है ना, लोग उसको भी इंडियन एलन मस्क बोलने लग गए। तो बिल्कुल वो एक जो बंदा फेमस हो जाता, लोग उसे हाँ, फिर मतलब अपना वो आइडल मान बिल्कुल लेते हैं ना। लेकिन आज आज की स्टेज में मैं अभी मतलब अपनी फील्ड में मैं कोई आइडल नहीं मानता किसी को भी। हाँ, अगर किसी ने रिजल्ट अचीव किए हैं तो उससे मैं इंस्पिरेशन सीखता जरूर हूँ, लेता हूँ, बिल्कुल है ना, इंस्पिरेशन जरूर लेता हूँ। लेकिन आइडियल अभी अभी किसी को लेके चल नहीं रहा फॉर द टाइम बिंग तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई नहीं कोई नहीं, ये अच्छी बात है भाई, कहीं ना कहीं आपका ये ध्यान इस पर आ जाए, वो होना भी चाहिए कि हाँ मुझे अपने आप को भी ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना बस भेड़ चाल में किसी के पीछे पक जाऊँ, ये एक कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली चीज़ भी होती है। एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, मतलब आपकी कोई मूवी हो, या फिर आपका दो तीन मूवीज हो आपकी, जो आपको लगता हो कि भाई ये मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, फेवरेट मूवी में अगर मैं बताऊंगा तो मुझे मतलब फेवरेट वैसे नहीं, बताओ मतलब थोड़ा। टॉप थ्री, आप टॉप थ्री मूवी कह सकते हैं, क्योंकि फेवरेट तो ये है कि कल कुछ नई आ गई तो वो फेवरेट हो सकती है कोई, मतलब टॉप थ्री मूवीज आपको लगती हो कि हाँ इस ये मूवी मुझे अच्छी लग रही है और इन्होंने उसने मेरे कहीं ना कहीं जीवन में भी साथ दिया। हाँ, अगर वैसे बात करूँ तो एक मूवी है जिंदगी ना मिले दोबारा, है ना। हाँ बिल्कुल, वो वो बहुत अच्छी मुझे मूवी है, बिल्कुल सही लगी थी, वो थोड़ी अच्छी लगी मूवी मेरे को। और उसमें मतलब जो जो उस मूवी में दिखाया गया था, और जैसे मतलब रिलेशनशिप की वैल्यू करना ना, वो बिल्कुल सब बिल्कुल वो थोड़ा सा इम्पैक्ट किया मेरे को। उसके बाद थ्री इडियट्स मेरे को बहुत अच्छी लगी, हाँ, बहुत सी ना। मूवी, वो अच्छी थ्री मूवी। इडियट्स जो थी वो पुरानी मूवी, मतलब अब तो हमारे लिए पुरानी है वो, लेकिन वो मूवी अभी भी इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत अच्छी मूवी इन्फॉर्मेशन है। सिखाती है मतलब। तो ये दो मूवीज थी जो सही लगी मेरे को। और उसके एक अलावा और कौन सी? अब जो रीसेंट आ रही है, तो अब तो वैसे मैं ज्यादा ज्यादा थोड़ा एक्शन मूवीज देखता हाँ, हूँ, नहीं एक्शन कोई नहीं, कोई आपके एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, वो हाँ, अभी कॉमेडी तो मूवी हो अभी सकती है। हाँ तो वैसे पिक्चराइजेशन में मुझे थोड़ा सा जैसे बाहुबली टाइप मूवी थोड़ी सही हाँ लगी बाहु, नहीं थी। है भी अच्छी मूवी, अगर आप बाहुबली को देखोगे
तो बाहुबली भले ही अब मानो साउथ का है, साउथ का केवल एक वो है कि मतलब एक साउथ की इमेज है कि साउथ की मूवी होती है लड़ाई की मार धाड़ वाली, तो वो थोड़ा बहुत उसको दिखाएंगे क्योंकि भाई उनको साउथ के लोगों को भी मूवी दिखानी है। लेकिन अगर बाहुबली आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी मूवी है बाहुबली। बाहुबली से अगर बाहुबली मेरी भी एक मुझे बहुत अच्छी मूवी लगती है। बाहुबली से अगर आप एक चीज सीखोगे तो जब वो एक सीन आता है देवसेना वाला, मतलब जो उसकी वाइफ होती है बाहुबली की, तो अगर आपने वो सीन देखा हो बाहुबली वाला, तो भाई बाहुबली जो है उसे वचन दे के आता है कि भाई जो भी हो, जब उनकी अपनी वाइफ को, वाइफ को वचन देता है कि जो भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब उसकी लड़ाई आती है कि भाई जहाँ उसको बंदी बना कर रखा होता है उसकी वाइफ को, तो उसकी मम्मी से उसकी एक तरह से लड़ाई होती है, तो वो सीधे सीधे कहता है मतलब बाहु कि भाई माँ मैं अपनी, मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं अपनी माँ की सिखाई हुई वो छोड़ दूँ जो मुझे माँ ने सिखाया है बचपन से, मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ दूँ, या फिर ये है कि भाई मैं गलत को मान लूँ। तो वो कहता है मैं अपनी माँ जो मेरी माँ ने मुझे बचपन सिखाया है मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है। और मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर आप किसी को वचन देते हो, अगर किसी से आप कोई प्रॉमिस करते हो तो उसको आप तोड़ना मत। तो वहां वो अपनी वाइफ को ले जाता है और जिसमें कि उसको वहां से बाहर भी निकाला जाता है, मतलब उसे एक तरह से देश निकाला, वहां से बाहर निकाल दें दरबार से। तो अगर आप बाहुबली में देखोगे तो बहुत लर्निंग पॉइंट है, उस लर्निंग पॉइंट आपका ये है कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस करा है तो आपको उसको पूरा जरूर करना चाहिए, कमिटमेंट जो आप अपने बिजनेस में भी देखते हो और रियल लाइफ में भी देखते हो। तो बाहुबली नो डाउट बिल्कुल एक्शन बिल्कुल मूवी है, लेकिन उसमें बहुत मतलब बहुत वो पॉइंटेड मूवी है। आपका कोई ऐसा कोई डायलॉग हो, मतलब आपका मोटिवेशन डायलॉग जो आपको, अगर मान ले कभी परेशान है या कभी भी कोई दिक्कत है तो आपको वो डायलॉग याद होता हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ अपना ही बना रखा हो, कोई हो डायलॉग आपका? नहीं, अभी ऐसा तो कोई ऐसा डायलॉग नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि अगर कोई नहीं ऐसी फिर भी कोई परेशानी होती कोई है तो जो कोई लाइन याद आती हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं डायलॉग, डायलॉग से मतलब कोई लाइन आपको याद आती हो कुछ भी? नहीं, अभी तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी हाँ ऐसा है हाँ कि अगर कोई परेशानी या कुछ ऐसा फील होता है तो फिर हम हाँ मंत्र जाप वाले सिनेरियो में चले हाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये हाँ भी अच्छी बट बात ठीक है, है, कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई चीज़ ऐसी मोटिवेटिंग स्ट्राइक करती है कि भाई हाँ बिल्कुल कोई ठीक, लाइन सुन ली वो हेल्प करती है, या कोई गाना हाँ भी सुन लिया ऐसा, है ना। बिल्कुल जैसे अगर सपोज अभी मेरे बेटी के स्कूल में ना गाना है वो कंधों से कंधे मिलते हैं, लक्ष्य मूवी का ना, हाँ हाँ कदमों हाँ से हाँ कदम बढ़ते हैं, है ना। तो वो गाना अच्छा है, वो गाना बहुत सुनते ही अच्छा, थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो जाता है, बहुत तो अच्छी बात वो है। हेल्प करता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल चाहिए। एक ये है कि आपने, आप बताए थे बुक्स, आपने आपको मतलब आपकी कोई फेवरेट बुक, कोई मैंने ये बुक पढ़ रखी है, हमने कौन कौन सी बुक पढ़ रखी है, और टॉप थ्री बुक्स बुक्स आप बता सकते हैं अपने, वो टॉप थ्री बुक जो मुझे अच्छी लगी। जी, मैं वैसे बताऊं, मेरे को, मैं थोड़ा रीडिंग का मतलब इतना मेरे को शौक नहीं है, बट फिर भी जैसे कि कईयों ने बोला कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, है ना, हाँ बिल्कुल, या फिर आप एक द सीक्रेट जो किताब थी, एक हाँ द बड़ी सीक्रेट मतलब है, बहुत हाँ ज्यादा फेमस हुई थी, तो हाँ वो पढ़ी थी। हाँ एक मूवी अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा सा किताबें पढ़ी थी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो वो थोड़ी किताबें पढ़ी थी मैंने, बहुत वो अच्छी थोड़ा बात ऐसे है। ही मतलब नहीं नहीं होना इंटरेस्ट चाहिए, नॉलेज, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है तो पॉइंट आप ऑफ नॉलेज इंटरेस्ट लो, था। कहीं से भी नॉलेज लो, कहीं से भी नॉलेज लो जहां से आपको मिले, तो वो बहुत जैसे अच्छी थोड़ा बात सा ऑकल्ट में अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब जागा, तो थोड़ा है। हाँ ये न्यूमरोलॉजी की हाँ किताब मैंने पढ़ी थी। बाकी आपकी ये बुक आने वाली है अभी, ये अभी हमें थोड़ा सा काम रह गया है, प्रिंट होकर आ चुकी है। ये गुरुजी वाली बुक पढ़ना आप, ये सम्मोहन से गुरिंद्रा है, ये गुरुजी की बुक है हाँ, ये गुरुजी की बुक्स भी मैंने ये। पढ़ी, वो जो मैंने आपसे एक एक मंगवाई थी ये है मेरी। गुरुजी की, योग योग प्राणायाम और सिद्धि, ये अभी आने वाली है। अभी जो उसके कुछ अच्छा प्रिंट है वो हमारे, वो तो खैर हमारे पास तो होंगे ही होंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा काम रह गया है हल्का सा। ये प्रिंटेड में आ चुकी है, वो अभी आपको 10-15 दिन के अंदर यूट्यूब पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप ये मतलब ये दोनों बुक जरूर पढ़ना, खासकर सम्मोहन वाली आपको बहुत पसंद।